हेलो एवरीवन वेलकम टू द सेशन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड सिक्स पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की बुक एग्रीकल्चर और उसका नाइन्थ चैप्टर ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्लावर्स ऑफ पंजाब ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो हम यूज करते हैं सजावट के लिए अब सबको पता है कि जो फूल है जो फ्लावर्स है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम उन्हें अलग अलग ओकेजन्स पे यूज करते हैं शादियों में यूज किए जाते हैं बर्थडे पार्टीज में यूज किए जाते हैं किसी को ऑफर करने के लिए गिफ्ट वो तब भी यूज किए जाते हैं तो ये जो फ्लावर्स हैं ये एक मैसेज देते हैं प्यार का पेशेंस का शांति का और जब हम फ्लार्स को देखते हैं उनके अलग अलग रंगों को देखते हैं तो हमारे दिमाग को शांति मिलती है उनकी जब खुशबू सूंघते हैं तो आसपास ऐसा लगता है कि बहुत वातावरण में चेंज हो गया है कुछ जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं मतलब एक सीजन में ही आपको मिलते हैं जैसे रोज हो गया ग्लैडियोलस हो गया क्रिस्थेंथम हो गया मैरीगोल्ड हो गया इनको प्लांट किया जाता है फ्लार बेड्स के अंदर और इनको यूज किया जाता है बुके बनाने के लिए घर की डेकोरेशन के लिए इनको यूज किया जाता है लेकिन कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे रोज हो गया जैस्मिन हो गया ट्यूब रोज हो गया उनसे ऑयल निकाला जाता है इसके अलावा जो रोज के पेटल्स है पत्तियां होती है उसको यूज किया जाता है गुलकंद बनाने के लिए पुराने टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं कि फ्लावर्स की जो पेटल्स हैं उनकी जो जड़े हैं उनकी जो बाक है उनकी अलग अलग मेडिसिनल वैल्यू है जड़ी बूटियों के तौर पे उनको यूज किया जाता है जैसे आप पुदीने के पत्ते खाते होंगे कहते हैं कि अच्छा होता है सेहत के लिए कुछ वैसी चीजें होती है जिन्हें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं जो हमारे आसपास की चीजें हैं उन्हें और सुंदर कर देती हैं। ये पेड़ भी होते हैं ट्रीज भी होते हैं श्रब्स भी होते हैं छोटे पौधे और क्लाइंबर्स भी होते हैं जो दीवार पे अटक जाते हैं तो ये हमारे आसपास जो एरिया है उसे और कलरफुल बना देते हैं आसपास जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं हार्मफुल गैसेस पदार्थ उसको एब्जॉर्ब करके हवा को बिल्कुल साफ और स्वच्छ बना देते हैं अब ये जो ट्रीज हैं श्रब्स हैं क्लाइंबर्स हैं ये इवेपोरेशन भी करते हैं जिसकी वजह से जो हवा में मॉइस्चर का कंटेंट है वो बढ़ जाता है और हवा जो है जो इन्वायरमेंट है वो कूल cool हो जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि जो रोज है जब उसे प्लांट किया जाता है लगाया जाता है वो टाइम होता है नवंबर से मार्च तक का वो फूल देना शुरू करता है दिसंबर से अप्रैल तक के बीच में वैसे ही क्रिस्थेंथम के अगर आप फूल उगाना चाहते हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो छोटी सी कटिंग उसकी लगा सकते हो जुलाई अगस्त के अंदर और नवंबर दिसंबर के अंदर आपको फूल मिल जाएंगे क्या आपको पता है क्रिस्थेंथम को ऑटम क्वीन बोला जाता है आप फूल देख सकते हो कितना सुंदर है वैसे ही कुछ फ्लावर्स जो है वो हमें विंटर में उगाने को मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं विंटर सीजन एनुअल फ्लावर्स अब ये एनुअल फ्लावर्स क्या है विंटर सीजन में ही उगते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं मर जाते हैं वो होते हैं एनुअल फ्लावर्स जो एक सीजन में ही उगाए जाते हैं जैसे पैंसी डॉग फ्लावर उगा मैरी गोल्ड पेपर फ्लावर स्वीट मिलियम ये सारे जो प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं ये उगाए जाते हैं ट्रांसप्लांटेशन के जरिए जो थोड़े सी ग्रोथ दिखा देते हैं ना प्लांट्स उनको उगा दिया जाता है फ्लावर बेड के अंदर और ये उगाए जाते हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर जब विंटर स्टार्ट हो जाती है वैसे ही समर सीजन के एनुअल्स होते हैं एनुअल मतलब जो सिर्फ समर सीजन में आपको दिखाई देते हैं जैसे सनफ्लावर हो गया जो एक ऑर्नामेंटल सजावट के तौर पे भी प्लांट यूज किया जाता है या कोचिया हो गया ये भी समर में उगते हैं मतलब अप्रैल में प्लांट किए जाते हैं उसके बाद जब समर्स खत्म हो जाती है ये मर जाते हैं इसके अलावा कुछ सीजनल फ्लावर्स होते हैं एक सीजन में उगते हैं आप कह सकते हैं जुलाई के आसपास लगाया जाता है जैसे कॉक्स कॉम्ब हो गया बालसम हो गया तो जो बीज होते हैं ना उनको ज्यादातर शाम में उगाया जाता है लगाया जाता है फिर पानी दिया जाता है ताकि जो प्लांट है वो बिल्कुल सूख ना जाए इनका ना एक बेड तैयार किया जाता है ऐसे करके खोद के एरिया और टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं इसको कीड़ा तो नहीं लग गया मतलब कोई इंसेक्ट तो नहीं काट गया कहीं पत्ते तो नहीं इसके येलो हो रहे वो चीजें चेक करनी बहुत जरूरी होती है अब बात करते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स की उनके जो फूल होते हैं उनके जो सीडलिंग्स होते हैं उनके बारे में ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो ज्यादातर सजावट के लिए यूज किए जाते हैं नर्सरीज में मिलते हैं नर्सरी स्कूल की नर्सरी नहीं होती नर्सरी वो वाला एरिया जहां से आपको प्लांट्स मिलते हैं बीज मिलते हैं और इनकी वैल्यू ज्यादा पैसे से रिलेटेड होती है पंजाब की बात की जाए तो यहां पर मिल जाता है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, फ्रेंच मैरीगोल्ड, ग्लैडियोलस जो हम कॉमर्शियल स्केल पे उगाते हैं बड़े स्केल पे इनको उगाया जाता है इसके अलावा हम उगाते हैं जर्बीरा प्लांट या रोज प्लांट भी उगाया जाता है ये ना ग्रीन हाउस के अंदर उगाया जाता है मतलब प्लास्टिक ग्रीन शीट लेके उगाया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ही रहे हीट मिलती रहे प्लांट्स को और फूल जो है वो खिलते रहते हैं कुछ होते हैं एनुअल्स एनुअल्स मैंने आपको बताया किसी एक मौसम में ही उगते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं जैसे जीनिया हो गया मैरीगोल्ड हो गया टच मी नॉट हो गया एनुअल्स को उगाया जाता है पंजाब के अंदर उनके बीज निकाले जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में उनको एक्सपोर्ट किया जाता है जैसे यूएसए कैनेडा जर्मनी के अंदर और ये जो ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनके अंदर सजावट वाले जो प्लांट्स हैं, जिनके अंदर से फूल निकलते हैं वो एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एग्रीकल्चर को फैलाने में मतलब और ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम आ सकती है हमारे फार्मर्स को अब जो सही टाइम होता है इन प्लांट्स को उगाने का ट्रीज श्रब्स या जो क्लाइंबर्स होते हैं वो होता है रेनी सीजन जुलाई अगस्त या आप कह सकते हो स्प्रिंग सीजन फेब्री टू मार्च के बीच में जो विंटर डेसीडियस प्लांट्स होते हैं ज्यादा विंटर में उग सकते हैं जैसे क्वीन्स फ्लॉर हो गया आ, सावनी हो गया मलबरी हो गया वो विंटर में उगाए जाते हैं मिड डिसम्बर जनवरी के बीच में वो स्प्राउट करना शुरू कर देते हैं मतलब थोड़ा उगना शुरू कर देते हैं अब जो पेड़ हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं सबको पता है उनकी हाइट के हिसाब से उनकी तीन कैटेगरीज होती है ना केवल हाइट बट ट्रीज के ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम कैनपी बोलते हैं तो हाइट और जो कैनपी है उसके हिसाब से तीन कैटेगरी है लार्ज मीडियम और स्मॉल ट्रीज जो स्मॉल ट्रीज हैं वो थोड़ा ही फैलते हैं जैसे अशोका हो गया जिसे हम पेंडुला बोलते हैं और घर के थोड़ा सा एरिया ही ये ऑक्यूपाई करते हैं अब जैसे हमने हाइट के हिसाब से ट्रीज को डिवाइड किया तीन कैटेगरी के अंदर लार्ज मीडियम स्मॉल वैसे ही कैनपी के हिसाब से होती है जैसे कि आप कह सकते हो स्मॉल कैनपी छोटी हाइट पे ही आ जाती है जैसे मोलसारी स्प्रेडिंग टाइप जो फैल रहा है गुलमोहर स्ट्रेट जो होता है सिल्वर ओक ड्रॉपिंग ब्रांचेस जैसे बॉटल बुश अलग अलग फ्लावर्स उनके कलर के हिसाब से भी ट्रीज को डिवाइड किया जा सकता है जैसे येलो कलर के उसे हम बोलते हैं अमलतास रेड कलर के गुलमोहर या बॉटल ब्रश इसके अलावा ट्रीज के अलावा हम बात करेंगे श्रब्स जो आपको पार्क्स में दिखाई देते हैं अलग अलग घरों में दिखाई देते हैं इन पे अलग अलग फूल उगते हैं और इनकी ब्यूटी जो होती है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है तो इनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं फूलों के रंगों के हिसाब से जैसे जो व्हाइट होते हैं श्रब्स जहाँ पे व्हाइट फूल उगते हैं जैसे चांदनी जैस्मिन मुराया येलो हो गए पीली कनेर रेड हो गया हिबिस्कस या जैट्रोफा पिंक कलर के जो होते हैं उनको हम सावनी बोलते हैं तो ये जो श्रब्स हैं इनको हम फोलिएज या इनके पत्तों के हिसाब से भी इनको अलग अलग कर सकते हैं नाम दे सकते हैं जैसे हिबिस्कस हो गया चांदनी हो गया जो श्रब्स हैं उनकी भी हाइट के हिसाब से तीन कैटेगरीज हैं जैसे टॉल हो गया मीडियम हो गया डॉफ हो गया बिल्कुल ही छोटा अब बात करते हैं थॉर्न्स ऑफ क्लाइंबर्स की जैसे बोगनवेला हो गया जो ना अंदर से एक स्क्रीटिंग सब्सटेंस निकालते हैं कुछ चिपचिपापन निकालते हैं जैसे इंडियन आइवरी तेंद्रील हो गया जिसे हम गोल्डन शावर बोलते हैं ये जो अंदर मुंह से निकालते हैं ना फ्लावर्स अपने कुछ चिपचिपापन वो मदद करते हैं दीवार पे पिलर्स पे आगे चिपकने की इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स ट्रीज श्रब्स या आप कह सकते हो क्लाइंबर्स को प्लांट करने के लिए आपको एक खड्डा खोदना पड़ेगा दो से तीन फीट का जो लंबाई होगी और उसको आपको फिर से भरना पड़ेगा मिट्टी के साथ और कुछ खाद के साथ मेन्योर के साथ दो पार्ट्स अगर आप ले रहे हो मिट्टी के तो उसका आधा एक पार्ट होना चाहिए फार्म यार्ड मेन्योर का मतलब आधा मेन्योर और दुगना उससे मेन्योर से आप सॉयल डालोगे तो कुछ जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं अगर आप बाहर उगाना चाहो तो ऐसे उगा सकते हो खड्डा तैयार करके दो से तीन फीट का कुछ जो है वो पॉट के अंदर लगाए जा सकते हैं गमले के अंदर जैसे पाम्स हो गए मनी प्लांट रबर प्लांट और इसे आप घर के अंदर ही रख सकते हो किसी कोने में ऑफिस में रखा जा सकता है या एंट्रेंस पे रखा जा सकता है कॉरिडोर में तो ये थी आज की क्लास आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हम फिर मिलेंगे